चलो बच्चों, तो लास्ट लेक्चर्स में हमने जो पढ़ा था, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो ज्वाइन किए थे वो कंफर्टेबल होंगे कि हाउ टू फाइंड साइन 120 डिग्री, और कुछ बच्चे बताए थे सर 390 डिग्री भी फाइंड करना है, सो हम कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं साइन 360 प्लस डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना, एंड दिस इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, है ना बच्चों, 30. और साइन 30 कितना हो जाता है, हाफ. ये तो सारे बच्चे जानते होंगे, नए हैं पुराने हैं वो सबको ये बताना चाहिए कि साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है, ठीक है. आज बच्चों हम लोग ने थोड़ा सा दूसरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्री में. ट्रिगोनोमेट्री सबसे ज्यादा पार्ट रोल प्ले करता है हमारे बेसिक मैथमेटिक्स में, बिकॉज इस पे बेस्ड सवाल हमारे फिजिक्स में बहुत फ्रिक्वेंटली आता है, इसका यूज आता है, इसलिए हम लोग ये देख रहे हैं. आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों मल्टीपल एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो फॉर मल्टीपल एंगल्स. लिख लो, बहुत स्लो चलेंगे, डोंट वरी, कुछ नहीं समझ पा रहा है तो हेजिटेट नहीं करना पूछने से. चलो अभी तक हैंड रेज किसी बच्चे का, अथर्व एंड आदित्य महाले, कुछ पूछना है क्या? नहीं. चलो बच्चों अब हम लोग हेडिंग डालो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो फॉर मल्टीपल एंगल्स. जैसे अभी हमने दिया साइन ऑफ ए प्लस बी, तो कॉमन गेस क्या करोगे बच्चों? तुम लोग को लगेगा बहुत ही सिंपल सा है, सर ये क्या हो जाएगा, हम तो अलजेब्रा में ऐसे करते हैं साइन ए प्लस साइन बी, ऐसा गेस वर्क करोगे. बट कुछ बच्चों को पता होगा शायद, ये सही है क्या हमारा गेस? यस सर. नो सर, रॉन्ग. नो सर, रॉन्ग है. रॉन्ग सर, रॉन्ग है. ये अलजेब्रा में नहीं कि साइन दोनों में ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, साइन कॉमन लिया हुआ, ऐसा नहीं है. इसको ऐसे या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं बच्चों. ये होता कितना है, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, इसका प्रूफ मैथमेटिक्स में बताया जाएगा. अभी हम सिर्फ सर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. बहुत बढ़िया, तो मैं लिख रहा हूं बच्चों, तुम लोग भी अपने नोटबुक में लिखो साइन ए, सारे बच्चे लिखेंगे, इनटू कॉस बी, कॉस कह गया यार मुझे भी बुला लो, प्लस. अब देखना बच्चों हर फॉर्मूला में कुछ ना कुछ सिमेट्री इन्वॉल्व होगा, कभी शायद क्लास में कहा होगा सिमेट्री विल बी एवरीवेयर. तो बच्चों अगर साइन और कॉस आया है फिर से ऐसा ही आएगा, लेकिन अब एंगल चेंज हो जाएगा, अब क्या आ जाएगा sin b into cos a sin b plus cos a cos b. अब एंगल चेंज कर दो, है ना, cos a into sin b, है ना, sin पहले a के साथ था अब sin b के साथ हो जाएगा, cos पहले b के साथ था अब cos a के साथ हो जाएगा. क्लियर ये फॉर्मूला? यस सर. यस सर. याद कर लो बच्चों, अभी याद कर लो, दो बार लिख लो उसी पे, यस ये फॉर्मूला अभी याद कर लेते हैं, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं इसको. आई होप कि याद हो गया होगा. अर्चिता याद हो गया क्या? यस सर. बच्चों अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद हो गया है जो तुम लोग बोल रहे हो साइन ए माइनस बी, सोचो अब गेस वर्क करना है, व्हाट यू कैन गेस? साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए साइन बी. मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ गया, देखो मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ के मैं यहाँ लिख लेता हूँ साइन ए इंटू कॉस बी, ऐसा ही फॉर्मेट लिखेंगे, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा. तो क्या ये फॉर्मूला भी याद हो गया बच्चों? संस्कार याद हो गया?
शेजल बाग बच्चों तुम लोग क्या थोड़ा इंटरेक्ट करना तब मजा आएगा ना, ऐसे ही ऑनलाइन है आप कुछ बोलोगे नहीं तो फिर कैसे मजा आएगा, तो बातें करना है। श्रद्धा श्रद्धा यस सर, तो तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर है ना? यस सर। चलो बच्चों तो मुझे लगता है कि ये दो फॉर्मूला तुम लोगों ने याद कर लिया है, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्या फॉर्मूला आ सकता है, कॉस ए प्लस बी कॉस बी। अब सुनना देखो साइन में एक साथ साइन कॉस दोनों आया, अगर यही पैटर्न हम लिखेंगे कॉस में भी तो एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, इसमें कुछ तो डिफरेंट आया है ना। यस सर। जो बच्चे पहले पढ़े हैं वो मुझे बताना, जो दो क्लास पहले की है, क्या मैंने पढ़ाया था थीटा जीरो से लेकर के 90 तक जाता है तो कॉस थीटा क्या होता है, बढ़ता है कॉस थीटा या घटता है? रिड्यूस होता है, रिड्यूस होता है। उस बच्चों को याद है ना? अच्छा बताना बच्चों तो ये दिमाग में रखना, अगर थीटा बड़ा होगा तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। साइन थीटा क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। सुनना देखो साइन ए प्लस बी बड़ा एंगल हो जाएगा तो इसलिए प्लस बड़ा करना है ना, छोटा एंगल हो जाएगा इसलिए माइनस तो छोटा हो जाएगा। कॉस ए प्लस बी मैं कुछ लिखता हूँ बच्चों देखना, जिसे देखो यहाँ साइन कॉस दोनों एक साथ था ना, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो जाएगा, कॉस कॉस एक साथ और साइन साइन एक साथ दोनों ऐसा होगा। मुझे सिर्फ डिसाइड करना है कि तू भूल गया है कि यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, और एग्जाम में ये माइनस होगा सर, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, मतलब तीसरा फॉर्मूला भी याद हो गया, तुम लोगों ने प्रॉमिस किया है ये याद हो गया, ये भी किया है प्रॉमिस, यह है कि नहीं? yes, sir. Yes, sir. Yeah, इसमें किया क्या प्रॉमिस? यस सर। यस सर। क्या हुआ क्या तन्वी पवार? यस सर। चलो तो ठीक कर रहा हूँ तन्वी, मैं पूछूंगा बाद में, ये भी याद हो गया। और करना क्या है पहले क्या करो, बोर्ड पे देखो सर ने क्या समझाया, लॉजिक समझ में आया लिख, यहाँ पे देख लो और बिना बोर्ड देखे फिर पूरा लिख दो नोटबुक में, हो जाएगा यार। और देखते हैं तुम लोग ब्रिलियंट हो कि नहीं हो, देखते हैं कॉस ए माइनस बी कितने लोग ब्रिलियंट हैं यहाँ पे, क्या होगा बच्चों मैं नहीं बता रहा, कॉस बी प्लस बी प्लस बी प्लस साइन ए साइन बी साइन बी, क्या बात है यार सारे लोग कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, मतलब हमने चार फॉर्मूला तो यूं ही याद कर लिया, ये भी याद हो गया, तो आज तक तो याद ही हो गया, कल भूल जाएंगे, am I right? कल भूल जाएंगे बच्चों? हाँ सर। कल ही भूल जाएंगे? नो सर। प्रैक्टिस करेंगे। नो सर। एकदम ध्यान से पढ़ो, क्यों भूलना इतना जल्दी नहीं भूलना, तो सारे बच्चों के नोटबुक पे ही आ गया है, अब मैं मिटा दूं? यस सर। सर एक डाउट yes, था। हाँ हाँ बोलो। सर ये cos a plus cos a plus b वाला जो फॉर्मूला है उसमें साइन ए साइन बी तो बढ़ जाएगा ना, तो माइनस में नहीं हो जाएगा आंसर वैल्यू? हाँ माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करेगा है ना ये एंगल कितना बड़ा हुआ, ठीक है। अच्छा तुम लोगों को ये पढ़ाया क्या, मैं भी भूल गया हूँ, कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, ये बताया था क्या तुम लोगों को फर्स्ट लेक्चर में? बताया था कि नहीं बताया था? मैंने बताया कि सर ये बड़ा हो गया तो क्या ये निगेटिव हो सकता है? यस निगेटिव हो सकता है, और हमने तो देखा ना बच्चों cos सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है,
तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बच्चों की साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी जो लिखोगे उनको डांट लगेगी थोड़ा सा या ज्यादा बच्चों। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी लिखने वालों की डांट लगनी चाहिए कि नहीं? यस सर। यस सर। बोल रहे हो तुम लोग लिखोगे बाद में। अच्छा बहुत डांट लगे, बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ है ना। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू ये फॉर्मूला लिखना। अब कहोगे सर आपने जो पढ़ाया इसका क्या यूज है, व्हाट इज द एप्लीकेशन, कहाँ हमें जरूरत पड़ सकती है, किस तरीके से जरूरत पड़ेगी? तो हम लोग आगे देखेंगे कि और क्या क्या जरूरत पड़ेगा। सबसे पहला जरूरत तो मैं ये कहता हूं कि मुझे साइन 75 डिग्री का वैल्यू चाहिए। साइन 75 डिग्री का, साइन 30 प्लस साइन 45 किसी बच्चे का, साइन 30 प्लस साइन 45 बड़ा मजा आ रहा है। 1/2 तो बड़ा इंटरेक्टिव बच्चे हैं, बहुत ही बढ़िया। 1/2 1/2 होगा नहीं? हमने कितने कितने वैल्यूज अभी तक याद किए रखा, कितने दिन मारे हो वैल्यू का? 10th में 0 साइन 0 0 साइन 30 डिग्री 45 60 एंड 90। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बच्चों इतना वैल्यूज तो जाता है। आता है कि नहीं सारे बच्चों को? ऐसा बच्चा है जिसको साइन 30 डिग्री क्या होता है नहीं पता है? कोई बात है, नहीं पता अभी मैं बताऊंगा तो नोट डाउन करते जाना। सो बच्चों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोगों की दिमाग की बत्ती जल गई होगी बहुत सारे बच्चों की, और जिनकी नहीं जली अब जल जानी चाहिए। क्या 75 डिग्री को इतना लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो साइन 75 डिग्री को इतना लिख सकते हैं, और अभी अभी तुमने रट्टा मारा है। साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा? साइन ए साइन ए कॉस बी 30 डिग्री प्लस कॉस कॉस 45 डिग्री साइन 30 सर 1 √3/2 √2 बच्चा ने बहुत प्यार से बताया 2√2 मतलब तुमने तो आज साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकाल लिया। क्या लगता है कि तुझे ये रट्टा माना है कितना इज करते इतना होना है? जरूरत नहीं, कितना टाइम लगेगा करने में? अगर जरूरत पड़ा तो हम निकाल लेंगे। अर्पिता निकम यस, जो नए बच्चे हैं, कोई नया बच्चा है जो आज पहला लेक्चर है फिर भी उसको समझ में आया हाथ उठाओ, एनीवन इसका फर्स्ट लेक्चर फिर भी ये समझ में आ गया साइन 75 डिग्री कैसे निकालेंगे? मिहिर को आ गया, मैथिली को आ गया, मानस बागुल को आ गया, मतलब 9 लोगों का आ गया, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चलो बच्चों बहुत बढ़िया इंटरेक्ट कर रहे हो तुम लोग, तो जिसको समझ में आ गया बच्चों क्या ये बता सकते हो कि साइन नहीं कॉस 15 डिग्री का वैल्यू चाहिए मुझे, क्या करेंगे? क्या हमारे पास कोई टेक्निक है? cos 15 डिग्री 45 माइनस 30 क्या बात है, दिमाग तो भगवान बहुत दिए हैं यार, उसको बस मोबाइल और टीवी से भी थोड़ा दूर रखो और आईपीएल से भी। आजकल बच्चे ने मोबाइल पे यूट्यूब पे भर भर के गेम खेलते हैं आजकल, तो अब तो बच्चे ये। चलो बच्चों इसको थोड़ा कंस्ट्रक्टिव वे में लगाते हैं अपने दिमाग को। बच्चों ये ऐसे लिख दिया और फॉर्मूला लिखा हुआ है, हाँ बोलो सर। √3 + 1/2 √2 वही सेम है, यही मिला ना? यस यस एकदम सेम आ गया √3 + 1/2 √2 मतलब हमने क्या देखा
कि cos 15 डिग्री और sin 75 डिग्री दोनों इक्वल आ गया, और इसको निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया होगा। किसी बच्चे के मन में यह भी आ रहा होगा कि क्या सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ऐसे भी लिख सकते हो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यू विल गेट द सेम रिजल्ट सर। सर cos 15 को sin 90 माइनस 75 लिख सकते सर। एकदम सही। तो यहाँ भी हमने डेटा से देखा कि ये इतना होता है, और पिछले लेक्चर में ही हमने ये पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था बच्चों? कि sin 75 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, और sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, ये तो आना ही चाहिए था ना cos 15। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो देखो ऐसे भी हम देख लिए, दूसरे तरीके से चेक कर लिए, तो हम लोग इंश्योर कर लेते हैं हम लोगों ने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं किया है, दूसरे तरीके से चेक कर लिया। बच्चों जल्दी से मुझे चाहिए cos 105 डिग्री का वैल्यू, cos 105 डिग्री का वैल्यू कौन बताता है सबसे पहले? cos 105 डिग्री क्या करें बच्चों? मुझे तो पता नहीं चल रहा, किसका दिमाग काम करता है, किसका दिमाग चलती है? 60 प्लस 45, क्या बात है, cos 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है सारे बच्चों का दिमाग की बत्ती जल गई होगी। ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया, आ गया होगा यार, चलो आगे बढ़ते हैं। अंशु राठी, 1 माइनस रूट 3 बाय 2 रूट 1 बाय रूट 2, 1 माइनस रूट 3 बाय 2 रूट 2, 1 माइनस रूट 3 बाय रूट 2, 1 रूट 3 बाय 2 रूट 2, ऐसा कर रहे हो? ये जो बच्चे दो क्लास पहले अटेंड किए थे उनको ज्यादा क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि यस ये निगेटिव ही आना था, निगेटिव आ गया। सर बोलो। एक्सक्यूज मी सर, सर मैंने 135 माइनस 30 डिग्री लिया। 135 माइनस 30 डिग्री, या ठीक है सलीम। अब बताओ कि मुझे जाना है, कहते हैं ना बचपन में पापा से पूछना कि नाप सुना है तो ऐसे छू के ऐसे करके छू, तो हम क्यों इतना जाए? 135 डिग्री का वैल्यू कहाँ याद होता है बच्चों को? यस यू हैव डन करेक्टली प्रोवाइडेड यू नो द वैल्यू ऑफ 135 डिग्री, है ना? There is no doubt. Yes, वैसे भी कर सकते हैं। Okay, sir. Sir, आपने जो पहले फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से क्या तो माइनस वन बाय रूट टू आता है। ये किसने बोला अभी, एक बार नाम बताओ। जयदीप। जयदीप क्या बताया था? शेजल एंड माइनस एंड्रेस क्या हो तो उसको डाउन कर लो, क्योंकि कुछ पूछना है तो करना है ना। सर अगर cos 60 प्लस 45 लिया तो फिर माइनस साइन 45 आता है, माइनस साइन 45 की वैल्यू माइनस 1 बाय रूट 1 है। एक सेकंड जयदीप मैं लिख लेता हूं, है ना? तुम जो पूछ रहे हो cos 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, देखो ये छोटे छोटे कैलकुलेशन मुझसे कराते हो, cos 60 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। कॉस 60 डिग्री बच्चों हाफ होता है, कॉस 45 वन बाय रूट टू आता है, साइन 60 होता है रूट थ्री बाय टू, एवरी वन नोज दिस, साइन 45 होता है वन बाय रूट टू। तो जयदीप ने मुझसे कैलकुलेशंस करा ही लिया फाइनली, बहुत मेहनत करा था यार। बताओ जयदीप तूने क्या मिस्टेक किया था?
सर वो आपने जो पहले फॉर्मूला बताए थे ना कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से, तो मैंने वो 60 के साथ ले लिया, वो तो 90 से शुरू होता है ना। तू अभी आता है ना पकड़ते तेरा, है ना? महान काम इतना क्यों करता है जयदीप? अभी क्लियर हुआ जयदीप? यस सर। बचपन में टीचर से तुम लोग मार खाए हो क्या कभी कान पकड़ के? बहुत बहुत सर। कौन कौन खाए? ये अच्छा होता है, वो बड़ा आशीर्वाद मिलता है। कैसे चमेटे लगते थे, डंडे होते थे गांव में, तो डंडे होते। कोई गांव में पढ़ा है? नहीं पढ़ा हो तुम लोग, तो सब शहर वाले हो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। मम्मी का तो लगते रहता है, मम्मी भी कुछ मम्मी सुन रही होंगी कि यस चाहिए, बचपन में तो थोड़ा चाहिए तभी बच्चे सुधरे रहते हैं, है ना? चलिए चमेटा लगने के बाद दिमाग थोड़ा मतलब शार्प हो जाता है, झटका लगता है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने बच्चों पढ़ाया बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे आ रहा हूं, ए प्लस बी साइन ए प्लस सॉरी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बच्चों आज का जितने फॉर्मूला पढ़ाऊंगा ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एकदम अच्छे से नोटबुक लिखना है, आज ही सारे फॉर्मूले याद कर लेने हैं, बहुत फ्रीक्वेंट यूज में आएगा ये सारी चीजें। मैं क्या करता हूँ बच्चों, b इज इक्वल टू a पुट कर देता हूँ। इफ b और a इक्वल हो गया सो क्या फॉर्मूला डिराइव होगा? a प्लस a तो क्या हो जाएगा बच्चों? साइन 2a 2a 2a। अब इसमें कोई महान काम नहीं करेगा कि साइन 2a लिखा हुआ तो इसको लिख देगा 2 कॉमन ले लिया और साइन a, ये काम नहीं होता है, ठीक है ना? अदरवाइज डांट पड़ेगी। बच्चों साइन 2a इधर हो गया, इधर देखते क्या है? साइन a कॉस a सर, साइन a इंटू कॉस a, ये भी बच्चों वही हो जाएगा कॉस a इंटू साइन a, तो ट्वाइस लिख दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव कर लिया बच्चों, ये तुम्हारे तुम्हें याद हो जाना चाहिए आज ही। साइन टू ए इक्वल टू टू साइन ए इंटू कॉस ए, ये फॉर्मूला क्वेश्चन मार्क 1 2 3। आर्यन पाठक याद हो गया? यस सर। ठीक है बच्चों, अब मुझे ना डिराइव करने का मुझे मन नहीं कर रहा है, मुझे चाहिए कॉस 2a। देखते हैं तुम लोग ब्रिलियंट हो कि नहीं, खुद से डिराइव करते हो कि नहीं, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। कॉस सर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या बात, सॉरी माइनस क्या बात है, कॉस 2a कॉस स्क्वायर a माइनस cos 2a का भी फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। और मैं बता रहा हूं इसमें से 10 से 15 बच्चे ऐसे होंगे, देखो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, मैं बता रहा हूं कि तुम लोग जब पूछने आओगे ना, ये cos 2a हुआ बच्चों, एंगल 2a है और ये है cos स्क्वायर a, ये बच्चे दोनों एक ही जैसा लिख देते हैं, ये 2 को थोड़ा बड़ा करते हैं, ये 2 को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये क्या है बच्चों? cos स्क्वायर a। एक्चुअली में cos a का होल स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड cos स्क्वायर a। देखो मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, cos a का होल स्क्वायर को क्या बोलेंगे? cos स्क्वायर a। अच्छा एक चीज बताना, एक होता है cos of a स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब एंगल a स्क्वायर, ये एंगल a इंटू 2 है, ये है a इंटू a और ये है cos a का होल स्क्वायर, विच इज रिटन इन दिस वे। सारे बच्चों को क्लियर ये? यस सर।
गुड। मुझे लगता है कुछ बच्चे ये जानते हैं फॉर्मूला, देखते हैं कितने बच्चे जानते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इतना होता है, टू होता है, वन होता है, कॉन्फिडेंस एकदम बहुत बढ़िया। दिस इज इक्वल टू वन। अच्छा बच्चों, मुझे कॉस टू ए को ना सिर्फ कॉस स्क्वायर ए के टर्म में लिखना है, साइन स्क्वायर नहीं चाहिए। So can you replace sine square as 1 minus cos square. बच्चों यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से सारे बच्चों तुम लोग भी लिखना, cos 2a can be written as cos square a, cos square a minus sine square a को लिख लेते हैं 1 minus cos square a. So this becomes 2 cos square a minus 1. That means इस 1 को इधर लेके आ जाओ, 1 plus cos 2a ये बच्चों एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया। आर यू कंफर्टेबल विद दिस फॉर्मूला? क्या तुमने खुद से ही डिराइव कर सकते हो ये? Yes, sir. अच्छा बच्चों, कि 1 minus cos 2a is equal to 2 sin square a. Can you prove this from here? कहो कि हाँ सर, आपने सही लिखा है ये। Yes, sir. जल्दी से अपने बच्चे प्रूफ करेंगे, जिसको इसको प्रूफ हो जाएगा वो हाथ उठाना। Yes, sir, मैंने प्रूफ कर लिया। तो बच्चों तुम लोगों ने कहा कि सर ये याद हो गया, और जैसे ने बहुत बढ़िया ये बताया, 1 plus cos 2a is equal to this, 1 minus cos 2a, कौन बताएगा, किससे पूछे? ओम निकम, 1 minus cos 2a, वेट कर रहा हूं। टू sin square. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ बच्चों कि जिससे पूछ रहा हूँ, doesn't mean कि सिर्फ उसी को बताना है, बाकी बच्चे भी अपने मन में बोले कि हाँ ये होगा, है ना? क्योंकि ये ऑनलाइन है, डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, तो मैं चाहूँ थोड़ा स्लो चले, बट सारे बच्चे समझ में आ जाए सारे बच्चों को, और सारे बच्चे ट्रैक पे आ जाए, और फिर हम थोड़ा सा एक्सेलरेटर दबाएंगे, गाड़ी तेजी से बढ़ाएंगे, है ना? तो बच्चों एकदम 100% समझ में आना चाहिए सबको। पवन वटकर, आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अपने इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं बच्चों, और ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चों यहाँ पे एंगल कितना है? 2a। इधर कितना एंगल है? a। सो इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, 2a का हाफ हो गया a, मतलब कितना हो गया एंगल? हाफ एंगल हो गया। यहाँ cos 2a और इधर कितना एंगल है? 2a का हाफ। सो अगर बच्चों में कहीं ये लिख दिया कहीं पे कि sin a इज इक्वल टू 2 sin a by 2 into cos a by 2, क्या सही है? क्या ऐसा लिख सकते हैं बच्चों? Yes sir. Yes, sir. एकदम समझना, हमने क्या समझा, यही चीज है फॉर्मूला, तो हर जगह हर बुक हर टीचर्स पढ़ा देगा, इसको कैसे इंटरप्रेट करना है वो समझना है, दैट्स व्हाई यू आर हियर, है ना? यहाँ पे एंगल कितना है? 2a। यहाँ पे कितना है? a, हाफ हो गया एंगल। सो अगर साइन a है तो इसको लिखेंगे 2 साइन a का हाफ cos a by 2, और देखते हैं कि कितने बच्चों को समझ में आया कि मैं सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं। बच्चों 1 plus cos a को लिख सकते हैं 2 cos square a by 2, लिख सकते हैं क्या? Yes sir. Minus cos 4 theta,
वन माइनस कॉस फोर थीटा, इसको कहीं पे मैं लिख दिया टू, टू माइनस है तो साइन हो जाएगा बच्चों, टू साइन स्क्वायर टू थीटा, एम आई राइट बच्चों? क्या सही लिखा? यस यस सर, यस सर, ठीक है, यस सर। कहीं पे रहेगा साइन फाइव थीटा, साइन फाइव थीटा, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हो, टू साइन फाइव थीटा बाय टू इन टू कॉस फाइव थीटा बाय टू लिख सकते हो क्या? यस यस सर, यस सर, क्या समझाना चाह रहा हूँ? यस सर, यस सर। अब आपने तो साइन टू ए का बताया था, साइन फाइव थीटा का थोड़ी बताया था, है ना? यू हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। तो देखते हैं ये कितने बच्चे बताते हैं, साइन टू ए इंटू कॉस टू ए, यहाँ पे टू भी मल्टीप्लाई करता हूँ, इतना इज इक्वल टू क्या लिखेंगे देखते हैं, साइन ए, साइन फोर ए सर, साइन फोर ए, 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 बहुत ही बढ़िया, तुम लोग तो मजे हल्का मचा रहे हो, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों एक छोटा सा सवाल लिया है, वन अपॉन रूट टू, सॉरी रूट ऑफ टू, वन माइनस कॉस टू थीटा क्या होगा? तुम कहोगे सर बहुत ही सिंपल सा है, वन अपॉन रूट टू, अभी अभी पढ़ा है, वन माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है? टू टू साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, टू थीटा का हाफ, लॉजिक समझना, टू थीटा का हाफ, टू टू हो गया फोर, ये साइन स्क्वायर है, ये हो जाएगा वन अपॉन टू साइन थीटा, वन बाय टू, और वन बाय साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा, सो डी इज द करेक्ट, कोसेक थीटा। ये बच्चों ने डी मारा था, टिक किया था, यस, नहीं चल रहा, वो बीच बीच में क्या होता है, कभी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तो मेन मेन चीज में कर देते हैं रिकॉर्डिंग, बट ये लाइव लेक्चर्स अटेंड, लाइव लेक्चर करना है सर, दैट एक्चुअली आई जॉइंड लेट टुडे सो दैट्स ओके, एक्चुअली ऑल लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड, मेन चीज सब रिकॉर्ड होता है ना। चलो बच्चों, अगर मुझे अभी निकालना क्या है, साइन 22.5 डिग्री, ओके सर, ये कौन सा नंबर ले लिया बीच का, साइन 22.5, ठीक है, तो सर 45 बाय 2, हाँ ये 45 बाय 2 है, तो अगर सर अगर हम लोग ऐसे देखें, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है ना, होता है, मतलब अगर मैं बात करूं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू होता है ना, तो अगर मुझे साइन 22.5 लिखना है, तो यहां पे पुट करते हैं बच्चों, साइन 22.5 डिग्री तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर वन माइनस cos 45 cos cos 45.2 45 डिग्री, तुम लोगों ने सही कैच किया, डिवाइड बाय 2 cos 45 तो आता है मुझे रूट, ये 1 बाय रूट 2 हो जाएगा बच्चों, 1 बाय रूट 2 रूट बाय रूट 1 अपॉन 2, समझा क्या ये? यस सर। बच्चों हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला देखा, कुछ फॉर्मूला तुमने खुद से डिराइव किया, कुछ हमने बताया, कुछ खुद से डिराइव किया, सो मे बी कि कंफर्ट जोन में हो गए तुम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला में। बच्चों अपने मन से फिर से एक बार लिखो, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, दोनों लिखो,
लिखो अपने मन से, यहाँ क्या लिखोगे खुद से लिखो, यहाँ भी लिखो और दोनों को ऐड कर दो. लिख दिया सर. दोनों को ऐड कर दो, जोड़ दो. तो देखना साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दोनों को ऐड कर रहा हूं. इधर देखते हैं, इधर ऐड करने के बाद क्या आता है देखना. मैं सही लिख रहा हूं क्या? टू साइन ए इंटू कॉस बी. यस सर. तो इस फॉर्मूला को बच्चों ऐसे याद रखना, ये वाला पहले लिखना, ये इस टर्म में याद कर लो, टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए इंटू कॉस बी दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. देखो बच्चों नंबर ऑफ फॉर्मूला बढ़ रहा है, सो तुम्हें थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. हाँ सर ऐसे होता. फिर से मैं बता रहा हूं, ये फॉर्मूला तो हर बुक में लिखा रहेगा, हर टीचर बताएगा वाई रेजोनेंस. एक तो सिस्टमैटिक वे से बताएगा ये इसलिए रेजोनेंस, थोड़ा लॉजिक बता रहे हैं दैट्स व्हाई हियर. और एक चीज और देखना बच्चों, यहाँ पे इस टर्म में दो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो मल्टीप्लीकेशन में, साइन ए और कॉस बी दो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो मल्टीप्लीकेशन में. यहाँ पे दो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो समेशन में मल्टीप्लीकेशन में नहीं है. और ये चीज मैं जब इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा कैलकुलस में, जो अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, वहां पे ऐसी जरूरत पड़ेगी कि मल्टीप्लीकेशन में दिया, मल्टीप्लीकेशन में हमें काम नहीं चलेगा, हमें समेशन में चाहिए. सो यू कैन कन्वर्ट दैट. सो यू शुड अंडरस्टैंड कि कब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. तो पहले तो ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं और जब एप्लीकेशन होगा कुछ हम यूज करेंगे तो धीरे धीरे हमें आइडिया लग जाएगा. तो क्या बच्चों ये समझ में आया? टू साइन कॉस बी दो मल्टीप्लीकेशन में है तो समेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यू हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला. ओके एंड अब हम कितना लिखें यार, कितना मेहनत कराओगे मुझसे? जयदीप तो मुझसे मेहनत ही कराता है, बट मैं नहीं करने वाला. टू साइन ए इंटू कॉस बी, एक और फॉर्मूला लिखो जिसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी कर लो, टू कॉस ए इंटू साइन बी. पहले कॉस वाला है ये और ये एग्जैक्टली सिमिलर है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. बट नेक्स्ट टू कॉस ए इंटू कॉस बी और टू साइन ए इंटू साइन बी कौन डिराइव करेगा, कैसे डिराइव करेंगे? क्या आइडिया लगाए बच्चों? ये दो फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. देखो मैं टिक मार रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये और ये एक ही जैसा है एक्चुअली. बच्चों इसके लिए क्या करें? कॉस ए कॉस बी कौन सा फॉर्मूला लिखे? सर कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी प्लस कॉस बी ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी. क्या बात है? अब यहां देखना, यहां क्या लिखो? ये प्लस लिखा तो यहां पे तो माइनस आना चाहिए है ना. अब मुझे बताना है टू साइन ए इंटू साइन बी को अगर लिखना है बच्चों, ए और बी फर्स्ट क्वाड्रेंट का सपोज को एंगल है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो दो ऑप्शन दे रहा हूं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. ये वाला होगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, कौन सा होगा बच्चों? पहला वाला सर. और पहला वाला मान लो ए और बी, हमने कहा कि सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ले लो, तो ये पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव तब होगा जब कॉस छोटा एंगल हो और माइनस कॉस बड़ा एंगल हो, ये बड़ा होना चाहिए है ना, छोटा एंगल होना पड़ेगा. तो पहला वाला तुम लोगों ने बता दिया, तो बच्चों मैं भी तुम्हारी बात मान लेता हूँ और इसको मिटा देता हूँ. क्या बच्चों लग रहा है कि तुम तो खुद ही सीख रहे हो सब कुछ, लग रहा है कि नहीं?
मतलब मेरा कोई रोल ही नहीं है नहीं सर, मुझे थर्ड फॉर्मूला में डाउट है। चलो बच्चों, लेकिन तुम लोग खुद ही सीख रहे हो, एक्चुअली मैं खुद ही सीख रहा हूँ, मैं तो सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, है ना। और यही राइट वे यही होता है बच्चों, गाइडेंस, मैं थोड़ा सा हिंट दिया, बच्चे वो उसको लेकर के, चूंकि साइंस है क्या, साइंस जो है दैट इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ लर्निंग, एक सिस्टम है ना। तो बच्चों उस सिस्टम पे जब हम उस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो अपने आप सारी चीजें हो जाएगी, सब सिस्टम है। हाँ, कोई चीज बच्चा कोई पूछ रहा था, यस स्वानंद पाटिल सर, थर्ड फॉर्मूला का डेरिवेशन समझाना होता है, ये वाला, ये वाला, नीचे वाला, नीचे वाला सर। हाँ सर, कुछ नहीं यार, इसको cos a माइनस b अभी रट्टा मारा ना, लिखो cos a माइनस b, और cos a प्लस b भी पढ़ा था, दोनों में माइनस कर दो, यू विल गेट दिस। हम तो ये बता दिए, ये भी बता दिए है ना। और एक लॉजिक बताया अभी स्वानंद, ये तो निकाल ही लोगे लॉजिक, दैट्स व्हाई यू आर एट रेजोनेंस, लॉजिक से भी समझना है। हमने कहा कि cos छोटा एंगल जो होता है वो बड़ा होता है, और cos बड़ा एंगल छोटा होता है, तो इसको अगर पॉजिटिव रखना है या पॉजिटिव रखना है तो पहले छोटा एंगल होगा और फिर बड़ा एंगल होगा, इसलिए पहले a माइनस बी होगा और फिर माइनस cos a प्लस बी होगा। ओके सर, थैंक यू सर। बच्चों हमने कुछ फॉर्मूला पढ़ लिया, और देखते हैं अगर कोई पूछे कि साइन टू थीटा इन टू cos थीटा क्या होगा। बच्चों समथिंग प्लस में लिखना, टू cos 3x इंटू cos 2x, साइन 3x इंटू साइन x, कैन यू फाइंड द फॉर्मूला। तो ये वाला किस फॉर्मूला पे बेस्ड है बच्चों, इस फॉर्मूला पे, टू साइन टू थीटा इन टू कॉस थीटा, तो ए के जगह पे कितना है, साइन थ्री थीटा प्लस साइन थ्री थीटा प्लस साइन टू थीटा। बहुत बढ़िया, तो साइन और कॉस दोनों है बच्चों, तो सिर्फ साइन रहेगा यहाँ पे, साइन टू थीटा प्लस थीटा प्लस साइन टू थीटा माइनस थीटा साइन थीटा प्लस साइन टू साइन थीटा। बहुत ही बढ़िया, कैन यू राइट दिस फॉर्मूला। देखना बच्चों, साइन और कॉस दोनों है, इधर दोनों साइन रहेगा, और सिर्फ कॉस कॉस है या सिर्फ साइन साइन है तो कॉस रहेगा, है ना। कॉस फाइव थीटा प्लस cos 5 प्लस थीटा प्लस cos सर cos 5x प्लस cos 5x cos 6 प्लस cos 6 प्लus cos 3 cos 6 3x माइनस 2x sin 4x माइनस sin 2x ये क्या हो जाएगा, sin cos 4x माइनस sin cos 2x cos होगा ना, cos 2x माइनस कॉस 5x 4x कॉस 3x माइनस x कॉस 2x माइनस कॉस 3x प्लस x कॉस 4x, एम आई राइट। लेकिन यहां 2 नहीं था बच्चों, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइडेड बाय 2, तो ये वाला हो गया, ये हाफ रह गया, कैन बी राइट कॉस x माइनस कॉस 2x। यस, तो मुझे लगता है ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को। यस सर, Yes, sir. बच्चों अगर मैं पूछूं कि 2 cos a into sin b, 2 cos a into sin b, इसका अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं, sin a plus b और माइनस sin a minus b, ऐसा आ जाता है ना। देखो sin पहले cos बाद में, यहाँ पे cos पहले sin बाद में, तो सिर्फ ये प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा। बट मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों नहीं कहा वो बताता हूँ, ये और ये एग्जैक्टली सेम ही फॉर्मूला है, हाउ इज इट, सो मैं समझा रहा हूं, मिटाऊं क्या ये,
ये सिर्फ साइन और कॉस ए और डी का इंटरसेक्शन सर माइनस ले आया तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा जिससे जो हमने पहले काटा था उसके अगले वाले को काटेंगे बच्चों अगर दे दे कि टू कॉस थ्री एक्स इंटू साइन एक्स ये दे दिया सबको और का इसको कैसे लिखना है तुम कहोगे सर ये ना उस फॉर्मूला पे टू कॉस ए इंटू साइन बी जिसको अभी हमने कहा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसको फॉर्मूला भी आया था साइन ए प्लस बी और माइनस माइनस साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए माइनस बी है ना तो मैं इस फॉर्मूला पे इसको पुट कर देता हूँ कोई कहेगा कि सर ना मुझे ना इसको ऐसे लिखना है क्या मैं नहीं लिख सकता ऐसे साइन एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स होगा यस लिख सकते हो कहेगा सर मैं तो ये फॉर्मूला यूज करता हूँ टू साइन साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस बी That is equal to sine a plus b plus sine a minus b. बात समझ में आ रही है? इसको ऐसे लिखा और ये इस फॉर्मूला पे बेस्ड नहीं आएगा सर. Yes sir. और मैंने exactly मैं ये बोला हूँ कि ये और ये फॉर्मूला अलग है ही नहीं दोनों एक ही फॉर्मूला है. तो अगर सर कैसे? तो मैं यही फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ बच्चों. Sine a प्लस बी तो हो जाएगा 4x 4x a माइनस बी x माइनस 3x माइनस 2x माइनस साइन माइनस थीटा पिछले लेक्चर में बताया था साइन माइनस थीटा याद है किसी को माइनस साइन थीटा साइन 2x am I right और यहाँ पे क्या यूज किया बच्चों जो नए बच्चे उनको नहीं याद होगा साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा और जो पुराने बच्चे हैं वो बता देंगे कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा सर कॉस थीटा कॉस थीटा गुड गुड तो बच्चों हमने अभी कोशिश किया तुम्हें समझाने का दिस एंड दिस इज नॉट अ डिफरेंट फॉर्मूला ये जस्ट ए और बी को इंटरचेंज कर दिया यू विल गेट इट बाद में समझ में आएगा अभी कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है तो मैं बहुत फोकस इस पे नहीं कर रहा हूं बच्चों आगे बढ़ते हैं देखते हैं आज ही फॉर्मूला याद कर लेना है टू साइन ए इंटू कॉस बी अभी लिखो क्या आया था टू कॉस ए इंटू साइन बी ये भी लिखी लो क्या आया था टू फिर से लिखो देखो दोबारा लिखोगे याद हो जाएगा और टू और क्या था लास्ट साइन ए इंटू साइन मैं लिख देता हूं टू साइन ए इंटू कॉस भी आया था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी जो सारे बच्चे रिवाइज करेंगे क्योंकि एक दो फॉर्मूला सिर्फ होता है तो याद हो जाता है आज हम लोग धीरे धीरे एक ही चीज को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिख रहे हैं और इसी डिफरेंट फॉर्म में यूज में आता है सो हमें आज रात में जाकर बैठ करके तुम लोग एक बार दोबारा जरूर पूरा पढ़ना बट स्टिल मैं ये समझ रहा हूँ कि तुम लोगों को समझ में आ रही है चीजें आयुष कनेक्टेड है क्या आज यस सर आयुष याद हो गया सर सर यस सर इसमें देखना बच्चों ए प्लस बी को ना मैं मान लेता हूं ऐसे ए प्लस बी को मान लेता हूं मैं सी और
a माइनस बी को मैं मान लेता हूं d, अगर ऐसा फॉर्मेट लिखते हैं। इसी चीज को थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं। अगर दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, a equals to c, 2a plus c पहले ये लिख लेता हूं, साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाएगा, ये टू साइन ए सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन बी, बी कितना है बच्चों, ये समझ में आया, एक ही चीज को मैं अब दूसरे तरीके से लिख दिया। रियलाइज फॉर्मेट, दो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो प्लस में है और इसको हमने क्या लिखा, दो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को ना यहाँ पे कॉस ना बच्चों, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, टू ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो मल्टीप्लीकेशन में, तो प्लस से जब मल्टीप्लीकेशन में लिखना है तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। सो कैन यू डिराइव बाय योरसेल्फ साइन सी प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला होगा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा, cos c plus cos d का फॉर्मूला क्या होगा, cos c minus cos d का फॉर्मूला क्या होगा, can you derive by yourself? Yes sir. कैसे करना है, तो ये सारे फॉर्मूले वैल्यू पुट करते जाओगे यू विल गेट इट। ठीक, तो ये रहा तुम्हारा होमवर्क। ओके, आज बहुत सारे बच्चों का पहला लेक्चर था, मैं बहुत ज्यादा नहीं आगे बढ़ रहा हूँ बिकॉज तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। क्लास फिनिश कर रहा हूँ, अथर्व बोलो। सर जैसे ए की कोई वैल्यू थी वैसे सी की भी कोई वैल्यू, मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में भी कर रहा हूँ, आज के लेक्चर्स का रिवीजन तुम लोग पक्के करो तो वो तुम्हारा हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा। तो इसी नोट पे आज का लेक्चर मैं फिनिश कर रहा हूँ।